नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा खानप्रिय। इंदौर की सांसद रही सुमित्रा महाजन ताई ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से भूचाल ला दिया है। ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ ही इंदौर संसदीय क्षेत्र में ताई के युग की समाप्ति हो जाएगी। ताई की पूरी राजनीतिक जीवन यात्रा को अगर नजदीक से देखा जाए तो ताई एल्डरमैन के रूप में नगर निगम इंदौर की निगम परिषद की बैठक में शामिल होने आती थी। उस समय उनकी खास मित्र थी पार्षद पुष्पा जैन। उसके बाद ताई का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ और उन्होंने पूरे देश में 8 बार संसद का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ताई इतनी अधिक भाग्यशाली रही कि उनका लगभग पूरा जीवन संसद के गलियारों में ही गुजरा और अंत में उसी संसद के गलियारे में लोकसभा अध्यक्ष भी बनी। हालांकि ताई इंदौर से एक पारी और खेल सकती थी, लेकिन पार्टी हाईकमान द्वारा 75 के पार लोगों को टिकट नहीं देने का जो निर्णय लिया गया है, उसी वजह से ताई के टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। और इसी असमंजस में ताई ने अपने आप को चुनावी मैदान से पीछे हटाने की घोषणा कर दी है। उनकी इस घोषणा के साथ ही इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि अब चुनावी मैदान में सिर्फ भाई ही रहेंगे, ताई नहीं रहेंगी। ताई ने जो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, उसको लेकर आम जनता की क्या राय है और वो क्या कहना चाहती है, और कांग्रेस और बीजेपी में से किसकी सरकार बने, इस पर भी हम जनता की राय जानना चाहेंगे। सर, ताई ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अपने मन से न लड़ी हो तो बात दूसरी ने, ताई को टिकट देना चाहिए, ताई जीतेगी जी। हाँ, यदि उनको टिकट देते तो ताई जीतेगी। अभी 75 की हों या 76 की हों, अभी वो एक पंचवर्षीय लड़ने योग हैं। अभी ताई चुनाव बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इस तरीके से चुनाव की तुलना नहीं की जाती। ताई एक अच्छी लीडर है। सांसद भवन के अंदर मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी ताई को सुनते हैं बैठ के। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर ताई चुनाव नहीं लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें इजाफा ज़रूर होगा। और लोकसभा चुनाव में आपको कांग्रेस की सरकार चाहिए या बीजेपी? सरकार किसी की भी बने, काम हो, जनता को हर समस्या का समाधान मिले, वही सबसे बड़ी चीज़ है जी। अब कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की बने। 8 बार लोकसभा में सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से अब इनकार कर दिया, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इस फैसले को लिया है। अपन चाहते हैं कि अब ताई के बदले आप भाभी इस चुनाव को लड़ें। और भाजपा या कांग्रेस में से लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो मोदी जी को चाहते हैं। हेलो, आपकी क्या राय? मोदी जी। और ताई को लेकर? ताई की उम्र हो चुकी थी, पिछले बार उनका प्रमोट भी कर दिया था, स्पीकर पोस्ट देती थी जी। तो हो सकता है प्लानिंग भी हो गई इस बार ताई का आखिरी चुनाव। आपकी क्या राय, लोकसभा में कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी, मोदी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।